से इंडस्ट्री में कहा जाता है प्रियंका बहुत ही बेबाक है, डरती नहीं है, क्योंकि अगर वो सोचती करियर के बारे में तो वो सब नहीं करती. वो जो दौर था जब उन्होंने ये सब कराया, वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी, कैसा था वो वक्त? बहुत गंदा था, बहुत गंदा था. मैं तो, अगर मुझे यहाँ पे वो गालियाँ अलाउड होती शायद देना जो उनके लोगों ने, चमचों ने लिखा फेसबुक पे, वो शायद वर्ड आप शायद बीप कर देंगे, मुझे पता है. हाँ, झूठ लिखा था, हिंदी में आप उसका वर्ड समझती हैं. और उन्होंने ये लिखा कि अगर आप इनसे एक रात गुजारना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क करें. तो सो कॉल्ड चमचाज उस सुपरस्टार के ये बताते हैं कि उनके घर वालों ने उनको क्या परवरिश दी है. क्योंकि जब आप किसी की बहन या बेटी की इज्जत सोशल मीडिया पे उछालते हैं ना, तो आप अपना संस्कार दिखाते हैं. तो उन्होंने अपने संस्कार दिखाए कि वो कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है, और वो किस तरीके के सुपरस्टार हैं, और उनके चमचे किस तरीके के हैं. प्रियंका, उस वक्त तो ऐसे कोई लोग थे जिनसे आपको उम्मीद थी मेरे साथ? नहीं, मैंने किसी से उम्मीद नहीं लगाई, मैंने किसी से, मैं आज भी नहीं लगाती हूँ. क्या उम्मीद लगाऊँ, उन्हीं के तो चमचे हैं. भैया 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 यही तो करते हैं, और क्या करते हैं. स्टैंड लेना होता ना किसी को, मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के सामने होती हैं चीज़ें. बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, उनके नज़रों के सामने ये सब चीज़ें होती हैं. लेकिन वो लोग इसीलिए नहीं बोलते कि भैया फिल्म नहीं करेंगे ना, भैया हमें डेट नहीं देंगे, तो भैया तो टावर बन गए इंडस्ट्री के, तो भैया से तो इंडस्ट्री चलने लग गई. अब वही भैया की हकीकत हमने बोल दिया इंटरव्यू में, तो भैया का टावर डगमगाने लग गया, तो भैया शॉर्ट सर्किट करने लग गए. क्या होता ना, सच बर्दाश्त करना ना, सच सुनना, मैं आपको बताती हूँ, बहुत डिफिकल्ट काम है. मुझे उन्होंने गाली दी, उनके लोगों ने मुझे गाली दी, मेरे इंटरव्यू के नीचे गालियाँ आईं. जितने भी चैनल्स यूट्यूब पे चले हैं उन सब लोगों को कमेंट डिलीट करने, कितने फुर्सत के टाइम है भाई तुम लोगों के पास, कितने नल्ले हो तुम कि तुम पूरा वीडियो देख के गाली भी लिख रहे हो. जिंदगी में काम धंधा कर लो, गालियाँ लिखने से ज़्यादा है ना. जितना टाइम, जो 2 मिनट टाइम, 5 मिनट इंटरव्यू आपने मेरा देखा, 2 मिनट आपने मुझे गाली देने में लगाया, वो 6 मिनट आप जिंदगी कहीं और लगा दिए होते ना, तो यूट्यूब पे बैठ के गालियाँ नहीं लिख रहे होते, जिंदगी में कुछ बन गए होते. नहीं, आपने तो मेरा, आपने तो पढ़ा ही होगा ना, मैंने इंटरव्यू में बोला था, मैं तो आज भी बोलती हूँ जहाँ दिखेंगे वहीं मारूंगी. आपको कभी ये नहीं लगा कि वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं? मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको लगता है मैं सही हूँ तो आप पीठ के पीछे मत बोलो, उनके लोग बोल रहे हैं, आपके ही लोग बोल रहे थे. प्रियंका, ये भी खबर थी कि आपको मारने की भी कोशिश की? बहुत ज़्यादा, मेरे नंबर वायरल किए गए, मुझे गालियाँ मिली, मुझे धमकियाँ मिली. मेरे फोटोज़ पे अगर किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर या किसी हीरोइन या किसी हीरो या किसी का भी कमेंट आता था, तो फ़ोन जाता था उनका, तो नहीं, उनके चमचे हैं एक, जिन्होंने स्पेशली, सोचो उनको कितनी फिक्र है मुझसे, कितना प्यार करते हैं आप मुझसे, कि आप स्पेशली मेरे लिए यूट्यूब पे आते हैं, मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, लाइव आते और मुझे गालियाँ देते हैं. कितना टाइम है भाई, कितना टाइम है तुम्हारे पास, कुछ करो जिंदगी में, कुछ करो, अभी भी वक्त है, 1 साल हो गया कि अभी भी चमचा ही बन के घूमोगे. आपको वापस कभी ऑफर आया तो आप काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता. मैं उन हीरोइनों में, तो उन हीरोइनों की बाकी तो बात ही मत करूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था, हम कभी जिंदगी में उनके साथ काम नहीं करें. फिर गाना करके आ गई, हम शो नहीं करेंगे, फिर गाना करके आ गई, तो हमें पैसा दिया तो हम क्यों नहीं करें. सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर तो पैसे हैं, मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, पैसे तो मैं कमा लूँगी बाद, इज्जत से बढ़कर पैसे नहीं है मेरे लिए, एज सिंपल. वो तो पहले भी, जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था, जिस दिन मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, मैंने उसे 3 साल पहले भी नहीं कर रही थी. मेरी लास्ट फिल्म मैंने कब की थी, 2015 में, 2016 में, उसके बाद कभी नहीं की. निकाला ही गया, उनकी हीरोइनों ने फिल्म से निकाला है मुझे, सो कॉल्ड उनकी एक्ट्रेसेस जो उनके साथ रहती थी, उन्होंने ही निकाला है. सारी फिल्मों में उन्हें ही रहना है अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ. तो मैंने बोला था, मेरी नज़रों में मैं पवन सिंह को एक्टर मानती हूँ, सुपरस्टार मानती हूँ, बेशक वो मेरी नज़रों में है, रवि किशन है, मनोज तिवारी जी हैं, अगर मुझे कहा जाए सुपरस्टार तो है, बाकी मैं नहीं मानती, एक्टर भी नहीं मानती किसी को, इनको तो बिल्कुल नहीं.
मैं तो बोलती कि मेरी नज़रों में कल्लू है एक अच्छा एक्टर, कल्लू जी हैं एक अच्छे एक्टर, मेरे लिए रितेश पांडे अच्छे एक्टर है, मेरे लिए यश मिश्रा जी अच्छे एक्टर है, सब है। बट अगर स्टारडम सुपरस्टार अगर मेरे को बोला जाए ना, तो कभी आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि हमसे चलती है, हम हैं, हम सुपीरियर, ये कोई नहीं बोलेगा। हैं कुछ लोग जो समझते हैं, तो उसी चीज़ का जवाब दिया तो बुरे लग बुरे हो गए हम। बोला क्या था, बिहार आओगे तो मार देंगे, भाई चार बार आके गई हूँ, तुम्हारे गांव में भी आई थी। तो ये तो हम शुरू से फेस करते हुए आ रहे हैं ना, ये हमने स्टार्टिंग से फेस किया है। जब हम मैंने आप बिलीव नहीं कर, मैंने 2014 मेरी लास्ट फिल्म थी पवन जी के साथ, 2014 2013 में मैंने जीना तेरी गली की थी, 2014 वॉज माई लास्ट फिल्म विद पवन जी एंड दैट बंदा जो सो कॉल्ड टावर है उनके साथ 2014 बस। उसके बाद मैंने कभी उन लोग के साथ फिल्म नहीं की। आते थे ऑफर्स, आते थे नो डाउट आते थे, बट सो कॉल्ड एक्ट्रेसेस जो उनके साथ होती थी तो उनकी वजह से नहीं कर पाते थे।